मसूरी में कोरोना वैक्सीन खत्म होने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय सिविल में शनिवार को कोरोना वैक्सीन खत्म होने के बाद वैक्सीन लगाने अस्पताल पहुंचे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद लोगों में दहशत है। एक तरफ सरकार पूरे प्रदेश में पूरे देश में वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है, वहीं राजधानी के सबसे निकट जो पहाड़ी क्षेत्र हमारा पड़ता है मसूरी, वहां पर कोरोना वैक्सीन न होने के कारण आप सोच सकते हैं कि दूर दराज जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर क्या हालत होंगे। मैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय कोरोना की स्थिति बहुत भयानक है, नाइट कर्फ्यू का तक ऐलान हो चुका है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए कम से कम आप 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर उनकी जिंदगी से ना खेले, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। ऐसे में सरकार सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित तो कर रही है, लेकिन अस्पताल में वैक्सीन न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।